ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? क्या होता है ना कि सोसाइटी का तो क्या है ना, सोसाइटी किसी की नहीं होती। अगर आप एक शादी करते हो उसके बाद आप कहीं घूम रहे हो किसी के साथ, लड़की के साथ दिख जाते हो, तब भी बातें करती हैं। और अब तो ऑब्वियसली बातें करती हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, एक नाव में दो पाँव नहीं फंसाते, ये वो एक्स वाई जेड। तो क्या होता है, ये कहावतें भी तो किसी ने लिखी हैं, तो लिखा हुआ कभी सच नहीं होता, कुछ सच होता है। तो क्या होता है ना कि तुम्हारे सोच की बात है सारी चीज़ें। मैं अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, उनको पूरा टाइम देता हूँ और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता हूँ। तो आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अपनी फैमिली को टाइम दो, बाहर के लोग काम नहीं आने वाले। बाहर के लोग सिर्फ झगड़ा कराने काम आ सकते हैं और किसी चीज़ के काम नहीं आ सकते, बुरे टाइम में बिल्कुल नहीं आएंगे आपके वो। जैसे अब मुझे सिर में दर्द हो गया तो मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, जब आपके साथ कुछ गलत होगा तो वो फैमिली साथ खड़ी होगी, बाहर का कोई नहीं खड़ा होता। तो इसलिए मैं बाहर वालों की परवाह नहीं करता। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਕੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਕੂ ਕੇ ਲਈ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਤੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਚੀਕੂ, ਮਤਲਬ ਗੋਲੂ ਮੇਰੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੂ ਪਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਕੂ ਕੋ, ਔਰ ਚੀਕੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੂ ਸੇ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਤੋ ਚੀਕੂ ਕੇ ਪਾਪਾ ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਥਰਡ ਪੇ ਆਤੀ ਹੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੂੰ, ਤੋ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ फैमिली का आप पूछ रहे थे, बाहर के समाज का पहले जो था थोड़ा सा गलत था, बैड इम्पैक्ट था, पर अब लोग हमें चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं लोग। हाले भी कोई कितने ना कितने कोई गल ऑब्जेक्ट करता हो कोई बंदा, तो उसी उस चीज़ में किमें लाइक उस चीज़ में लेके कदे घर झगड़ा होता है? नहीं, घर तो देखो क्या होता है ना कि मेरे फादर और मम्मी थे जो उनकी डेथ हो गई है काफ़ी टाइम, 15 साल हो गए। तो मेरी फैमिली में सिर्फ पायल थी जो मैंने लव मैरिज की। मैं जब दिल्ली आया था तो बहुत स्ट्रगल किया मैंने, मतलब कुछ पैसे लेके आया था, 2000 रुपये लेके आया था दिल्ली आज से 12 साल पहले। तो बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की कि बच्चों के लिए कुछ करना है। तो पायल और मैं थे, पायल को 5 साल हमने बेबी प्लान किया, तो हम अकेले थे। फिर चीकू आ गया, फिर इसकी बेस्ट फ्रेंड ये थी, तो शादी हो गई। अब गोलू के घर वालों ने उनको बेटी बना लिया, तो उनके लिए तो सेम हो गया, ठीक है। अब रही बाहर वालों की बात है, अब मुझे DM आते पर्सनली कि भाई दो दो बीवियाँ कैसे रखते हो, हमें भी बता दो, हमारी भी गर्लफ्रेंड है, हम भी शादी कर लेंगे। जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री दे विच या PNP दे थ्रू या LMIA दे थ्रू या जॉब ऑफर दे थ्रू जाके पक्के तौर ते सेटल होना चाहते हो, या तुसी स्टूडेंट वीज़ा ते कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप दे नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है ते तुसी पढ़ के जे सेटल होने का सपना पूरा करना चाहते हो, तुसी हेठ लिखे नंबर ते कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो, Facebook चैनल नूं लाइक अते शेयर करो।